मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब का जन्म ये सागर में हुआ। तो आप लोगों के साथ, सागर के साथ, सुर्खी के साथ, मेरे पूज्य पिताजी का, मेरा आने वाले समय में भी सिंधिया परिवार का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है, एक हृदय का रिश्ता है, एक खून का रिश्ता है। और जहां तक सुर्खी और सिहोरा की बात है, मैं दाद देता हूं आप लोगों को कि ये सुर्खी क्षेत्र ने एक ऐसे जनसेवक को जन्म दिया, प्रोत्साहन दिया, उसे आगे बढ़ाया, जो बीज आप लोग ने ही बोया था वो आज वट वृक्ष के रूप में आप लोग जन से लाभ। प्रभु सिंह ठाकुर जी इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा में। लेकिन इनका इतिहास देखो, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि क्षेत्र का भविष्य, प्रदेश का भविष्य और देश का भविष्य का निर्माण कोई नेता नहीं करता, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता करती है। तो आपका भविष्य किसी मनचासी नेता के हाथ में नहीं रहता, आपका भविष्य का निर्माण आपके हाथ में रहता है। और मेरे सोच विचारधारा में अगर इस पृथ्वी पर पर्वाधिकार के बाद अगर इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो मेरे दो भगवान हैं। मेरा पहला भगवान है मेरा अन्नदाता, वो अन्नदाता जो अपना पेट नहीं भरता, अपने परिजनों का पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन मेरे भारत देश की जनता का पेट भरता है। एक एक गांव के चौपाल, इनको जवाब आपको इनकी ही शैली में देनी होगी। 15 लाख तैयार हो? 15 लाख अगले बार कोई आएगा और आपको कान में बोलेगा 15 लाख का, आप कह देना उनके कान में उसी तरीके से 15 लाख का क्या हुआ। एक नंबर के झूठे मुखौटेबाज, अपने आप कुछ कर नहीं पाते, दूसरे के कराई पर पानी फेरने पे लगते हैं, ये क्या देश बनाएंगे। कह देना उनको अगले बार जब आपके घर में आए
सियोरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आया था, जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी। जब मंदसौर में गोलियां चलाई गई मेरे अन्नदाता के छाती पर, भोपाल में बैठकर 3 दिन 3 रात मैंने सत्याग्रह किया था। महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया। जब तक भाजपा को बोरी बिस्तर बांधकर मध्य प्रदेश से रवाना न करूं, मैं फूल की माला नहीं लूंगा। महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया। बोल लेना इन भाजपाइयों को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि चुनाव आचार संहिता उठने के बाद 55 लाख में से एक भी किसान नहीं बचेगा जिसका 2 लाख तक ऋण होगा, जिसका ऋण माफ नहीं होगा। महाराज सिंधिया, महाराज सिंधिया। शिवराज सिंह जी, मोदी जी, सिंधिया परिवार का वचन है, जान जाए और इन भाजपाइयों का सोच है वचन जाए पर जान न जाए।